हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। माय सेल्फ पूजा गई एंड आज हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा था तो उसी से रिलेटेड ये लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, मतलब कि जो लॉ ऑफ डिमांड है तो इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के भी आते हैं। ठीक है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जो ये लॉ ऑफ डिमांड है तो ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनके बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, बेसिकली इसको जो है बाकी चीज़ें जब अगर सेम रहती है तो अगर प्राइस में जब चेंजेस होता है तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट डिमांड पर पड़ता है। मतलब कि जैसे सिंपल वे में कहा जाए तो प्राइस अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं कि हमारी डिमांड कोई भी प्रोडक्ट की हो तो उसको कम करते हैं। प्राइस अगर घटती है तो हम हमारी डिमांड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। सो सिमिलरली फॉर एग्जांपल हम ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज़ करो कि हमें बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है। ठीक है, और हमारे जो आसपास वाले शॉप्स है, प्राइवेट शॉप्स, ठीक है, जो छोटे छोटे स्केल पर काम करते हैं, तो अगर हम वहाँ पर कुछ सामान जो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदना है अगर वहाँ पर हम चले गए जाएंगे तो वहाँ पे हमें ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। लेकिन हम अगर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के गोडाउंस में जाएंगे, फैक्ट्रीज में जाके ख़रीदेंगे तो हमें वो कम पड़ता है। आया समझ में? सो वहाँ पे प्राइस कम होती है और डिमांड हम उसकी डिमांड हम ज़्यादा कर सकते हैं। सो इसी का मतलब है कि यहाँ पे जो है प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब क्रॉस रिलेशनशिप, मतलब कि कॉन्स्टेंट सेम डायरेक्शन में नहीं चलता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस अगर कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, सिंपल लॉ है ये। द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ ऑफ डिमांड किसकी रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है, डिमांड एंड प्राइस की। ठीक है, सो मार्शल क्या बोलता है इस लॉ के बारे में कि द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस, मतलब हम जो क्वांटिटी है हमारे जो भी हमें ख़रीदना है उसकी, तो वो इंक्रीज होती है कब, विद द फॉल इन प्राइस, एंड डिमिनिशेस, मतलब घटती है डिमांड हमारी विद द राइज इन प्राइस। सिंपल, दस इट एक्सप्रेसेस एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, दोनों में कैसी रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। डायरेक्ट मतलब क्या, अगर प्राइस भी बढ़े और डिमांड भी बढ़े तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, बट इनवर्स मतलब क्या कि प्राइस बढ़े और डिमांड घटती है तब इनवर्स रिलेशनशिप। सो डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब डिमांड क्या है एक्चुअल में, किस किस का फंक्शन है, प्राइस, मतलब जो डिमांड है वो प्राइस पे भी डिपेंड करती है, हमारे इनकम पे भी डिपेंड करती है। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स मतलब क्या, जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, मतलब अगर हम एक चीज़ हमें चाहिए हो, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह हम कौन सी अल्टरनेट चीज़ देख सकते हैं या फिर परचेस कर सकते हैं। जैसे चाय एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, इस पर भी डिपेंड करती है हमारी डिमांड। देन टेस्ट, मतलब कि हमारी चॉइसेस कैसी है, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज, मतलब कि फंक्शन ऑफ प्राइस। इनकम के लिए यहाँ पे वाई यूज़ किया है, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, टेस्ट के लिए टी यूज़ किया। ठीक है, सो व्हेन इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड टेस्ट आर गिवन, द डिमांड फंक्शन इज फंक्शन ऑफ प्राइस। इट शोज क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी परचेस्ड एट गिवन प्राइस, जो भी प्राइस है उसमें हमने कितनी चीज़ें खरीदी है उस पर क्या होता है, जो डिमांड है वो डिपेंड रहती है। ठीक है, सो अभी जो हमारी डिमांड है, डिमांड क्या कि एक कौन सी भी ऐसी चीज़ जो हमारी हम ख़रीदना चाहते हो और हमारे पास उससे ख़रीदने की कैपेसिटी भी है, मतलब क्या कि हम उसको बाय तो करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ देखो, विंडो शॉपिंग करना और एक्चुअल में शॉप में जाके शॉपिंग करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। विंडो शॉपिंग क्या, सिर्फ वहाँ पर हमारी एक डिज़ायर रहती है कि ऐसी चीज़ मुझे ख़रीदनी है, बट हम एक्चुअल में जब उसके कैपेबल होते हैं, हमारे पास उसे कुंकू लावला। सो जब हमारे पास हमें उसे ख़रीदने की इच्छा भी है एंड हमने विंडो शॉपिंग कर ली, उसके बाद हम उस शॉप में गए और हमारे पास उसे ख़रीदने की कैपेसिटी, मतलब पैसे भी है, ठीक है, परचेसिंग एबिलिटी भी है, सो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि डिमांड, मतलब हमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड की। ओके, सो इसलिए क्या क्या फैक्टर्स इसमें आते हैं कि बेसिकली फर्स्ट तो आएगा ही कि प्राइस, जब प्राइस कम रहेगी तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है, और प्राइस ज़्यादा रहेगी तो कम डिमांड करेंगे। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। अदर कमोडिटीज़ में
एक तो आता है सब्स्टिट्यूट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया चाय एंड कॉफ़ी का, कि अगर चाय के प्राइसेस अगर बढ़ती है तो हम कहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, कॉफ़ी को, कॉफ़ी की जो डिमांड है उस पे जाते हैं. मतलब अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस देन वी शिफ्ट टूवर्ड्स डिमांड ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेस. आया समझ में? मतलब सब्स्टिट्यूट में जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, मतलब जो ये प्राइस है चाय की और ये डिमांड है कॉफ़ी की, इनमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है. क्लियर? इफ़ अ राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी लीड्स टू इंक्रीज और डिक्लाइन इन डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी, टू कमोडिटीज़ आर सेड टू बी सब्स्टिट्यूट. आया समझ में? यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है. अगर चाय की प्राइसेस कम हो गई, ठीक है, तो हमारी डिमांड कॉफ़ी से कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, जहाँ पे प्राइस कम है. ठीक है, सो इस तरह से इनका जो है रिलेशनशिप कंसिडर किया जाता है. अभी जो हमने ये देखा था कि प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज़, उसमें पहला तो हमने देखा सब्स्टिट्यूट्स, सेकंड वन है कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, कि जो चीज़ें हमें साथ में कंबाइनली खरीदनी पड़ती है. सपोज कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़ मतलब क्या, पेन एंड इंक. ठीक है, अगर पेन की प्राइसेस बढ़, मतलब इंक की जो है, इंक की प्राइसेस बढ़ गई तो हम पेन खरीदेंगे क्या? नहीं. सो दोनों का इफेक्ट एक दूसरे पे पड़ता है. सपोज वेयर द डिमांड फॉर टू कमोडिटीज़ लिंक्ड टू ईच अदर, मतलब इसकी प्राइसेस अगर बढ़ गई तो दूसरी हम नहीं खरीदेंगे, सच एज कार्स एंड पेट्रोल्स. ओके, नहीं बाबा, अभी इस टाइम पे तो पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा है, सो हमें कार खरीदना नहीं अफोर्ड होगा. ब्रेड एंड बटर, ठीक है, टी एंड शुगर, ये सारे एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के. दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज विच कैन नॉट बी यूज विदाउट ईच अदर. मतलब शुगर के बिना चाय नहीं बनेगी, बटर के बिना हम ब्रेड नहीं खाते हैं कुछ लोग, कार्स पेट्रोल के बिना कार नहीं चलेगी. सो बोथ आर, मतलब जो दोनों की जो डिमांड है वो एक दूसरे पे डिपेंड है. ठीक है, अनरिलेटेड गुड्स मतलब ऐसे गुड्स कि इफ़ टू गुड्स कमोडिटीज़ आर अनरिलेटेड, से रेफ्रिजरेटर एंड बाइसिकल, इन दोनों का कुछ एक दूसरे से कनेक्शन है क्या? तो नहीं. मतलब रेफ्रिजरेटर की डिमांड का बाइसिकल की डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. चेंज इन प्राइस ऑफ वन विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनादर. सिंपल है. सो आपको पता चला होगा कि सब्स्टिट्यूट मतलब कि एक जो कमोडिटी है तो उसकी प्राइस में चेंजेस हुआ तो दूसरी की डिमांड में चेंजेस होता है. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि दोनों जो चीज़ें हैं वो हमें कंबाइनली, मतलब साइमल्टेनियसली खरीदनी पड़ती है. ठीक है, जो चेंजेस होंगे, एक की प्राइस में चेंजेस अगर हुआ तो दूसरी की डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ता है. अनरिलेटेड गुड्स मतलब क्या, कि जो एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. टेस्ट मतलब कि हमारी जो चॉइसेस है. व्हेन देयर इज चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, सपोज करो मतलब आज के ट्रेंड में अलग अलग फैशंस आती रहती है. ठीक है, सो आज उस पर्टिकुलर कंज्यूमर की या टारगेटेड जो पॉपुलेशन है सपोज, तो उनकी चॉइस अलग है. बट कोई अलग ट्रेंड आया, कोई अलग जो है फैशन आई, कोई अलग फैड आया, तो वहाँ पे उनकी चॉइस शिफ्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है, सो ड्यू टू फैशन इट्स डिमांड विल राइज, मतलब डिमांड में चेंजेस होते रहते हैं ड्यू टू टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. क्लियर है? देन एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. अभी आपको यहाँ से क्लियर पता चलेगा कि एक्चुअल में ये जो डिमांड है ये कैसे चेंजेस होते हैं. डायग्राम से आपको जल्दी से क्लिक हो जाएगा माइंड में. शेड्यूल मतलब जैसे मैंने कल के लॉ में भी कहा था कि जैसे हम एक टेबल के द्वारा हमारा जो डाटा है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बेसिस पे हम कर्व मतलब क्या ग्राफिकली उसको प्रेजेंट करते हैं. सो ये जो टेबल के फॉर्म में है ये है हमारा शेड्यूल, एंड ये जो डायग्राम के फॉर्म में है ये है हमारा ग्राफ. ओके, सो यहाँ से आपको पता चलेगा कि सपोज़ करो ये 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3, 4, 5, 6 ये जो है ये प्राइस है, एंड 1 रुपये में हमने क्वांटिटी कितनी खरीदी, 60, मतलब ज़्यादा. 2 रुपये में हमारी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती चली गई. जैसे प्राइस बढ़ती चली गई, हमारी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होती चली गई. डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं कि सपोज़ एक्स एक्सिस पे एंड ये है वाई एक्सिस पे. सो 10 क्वांटिटी सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 10 जो है चॉकलेट्स. ठीक है, 10 चॉकलेट्स हमने कितने रुपीज़ में खरीदे, 6 रुपीज़ में खरीदे. ठीक है, क्योंकि उस वक्त प्राइस ज़्यादा थी इसलिए हमने 10 ही खरीदे. प्राइस कम हो गई 1 रुपये से, हमने कितने खरीदे, 10 और चॉकलेट खरीदे. प्राइस और कम हो गई 1 रुपये से, हमने 30. इस तरह से हमारा जो डिमांड कर है वो डाउनवर्ड दिख रहा है, जैसे हमारा डिविनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का स्लोप था वैसे ही. अभी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो डाउनवर्ड स्लोप है वो किसकी वजह से है. फर्स्ट रीज़न इज़ दैट द लॉ ऑफ डिमांड इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी.
क्लियर। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे हमारी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो सेटिस्फेक्शन है, जो वांट है, डिज़ायर है, वो फुलफिल हो जाती है, सो उसके बाद हम जब एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। उसी तरह से डिमांड का भी है, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती है, हमारा जब वांट सेटिस्फाइड होता है तो हम उस पर्टिकुलर कमोडिटी को लेस कंज्यूम करने लगते हैं, ठीक है। इसलिए डिमांड कर्व या डिमांड स्लोप जो है वो इस पे भी डिपेंड करता है। एवरी कमोडिटी जो है हैज सर्टन कंज्यूमर, बट व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स न्यू कंज्यूमर स्टार्ट कंज्यूमिंग इट, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहता है मार्केट में कंज्यूमर्स का कि हाँ जो मिडिल ग्रुप है वो यहाँ पे जाएगा, जो हाई क्लास ग्रुप है वो पर्टिकुलर मार्केट में जाएगा। बट क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब प्राइसेस नीचे गिरती है तो क्या होता है कि ज़्यादा मतलब कंज्यूमर का जो फ्लो है वो जहाँ पे प्राइसेस कम है वहाँ ज़्यादा आने लगता है, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड क्या हो गई, प्राइस कम होने की वजह से ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। देन व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज बिकॉज ही हैज स्पेंड लेस इन ऑर्डर टू बाय सेम क्वांटिटी। सपोज एक पर्टिकुलर पर्सन की जो इनकम है तो वो सपोज करो एग्जाम्पल के लिए 1000 है पर मंथ, ओके। सो 1000 रुपये में से वो क्या करता है, जो 500 रुपये है वो खर्च करता है, ठीक है। सो उस इससे अभी है 500 रुपये जो वो खर्च करता है, तो 500 रुपये एक चीज़ पे उसने अगर खर्च किए तो इसकी अगर प्राइस जो है वो कम हो गई, सपोज 400 हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो ये इंक्रीज है उसका जो इनकम में इंक्रीज़ क्या हुआ, 100 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो जो वो 100 रुपीज़ है वो दूसरी कमोडिटी खरीदने के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसी से हमें क्या पता चला कि प्राइस फॉल डिक्रीज होने की वजह से उसने ज़्यादा कंज्यूम किया, मतलब वो 100 रुपीज़ फिर से दूसरे 300 रुपये में डाल के और ज़्यादा कमोडिटी, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीद सकता है, ठीक है। देन है फोर्थ वन इज़ द अदर इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूशन। जैसे हमने देखा कि अगर चाय की प्राइस में डिक्रीज हुआ तो कॉफ़ी की प्राइस डिमांड में क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। सो इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिफ्थ रीज़न है पर्सन इन डिफरेंट इनकम ग्रुप्स इन एवरी सोसाइटी बट मेजॉरिटी इज़ इन लो इनकम ग्रुप। मोस्टली हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो मिडल ग्रुप को कंसिडर करके बनाया गया है, क्योंकि जो हाई इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्राइसेस बढ़ती है या घटती है, बट मिडल क्लास ग्रुप पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो वो क्या करते हैं, और जो हमारा मेजर पार्ट है कंट्री का भी तो वो लो इनकम ग्रुप का हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनको फ़र्क पड़ता है कि प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड बढ़ेगी। देन है देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ सर्टन कमोडिटी एंड सर्विसेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व विथ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सच प्रोडक्ट दे विल बी यूज ओनली फॉर मोर इम्पॉर्टेंट यूजेस। यहाँ पे हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल। सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्राइस ज़्यादा होने की वजह से हम एक ही डिपार्टमेंट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली जब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस ज़्यादा होती है तब हम उसे एक ही किसी प्रोडक्ट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसी पे ज़्यादा यूज करते हैं, बट अगर प्राइसेस कम होती है तो उसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम पूरी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसका एग्जांपल हमने अभी लिया, ओके। सो इस तरह से जो है, इसलिए जो हमारा डिमांड का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। अभी जैसे DMU के कुछ एक्सेप्शंस थे, लिमिटेशंस थे, मतलब लॉ के अपोज में जो थे रीजंस, तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि जो नॉर्मल कर्व हमारा रहता है एज पर लॉ वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, बट एक्सेप्शंस को कंसिडर करेंगे तो वो अपवर्ड स्लोपिंग दिखेगा, क्लियर। जैसे कि वॉर में हम क्या करेंगे, उस टाइम पे क्या होता है कि खाने पीने की चीज़ें भी जो होती है वो हमें नहीं मिल पाती है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट या फिर कुछ जो रिच लोग होते हैं तो वॉर के टाइम पे वो क्या करते हैं, प्राइसेस ज़्यादा भी हो तब भी वो क्या करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। प्राइस अगर ज़्यादा भी हो तो उनकी उस वक्त की जो नीड है वो फुलफ़िल होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि वो इन शॉर्ट अपनी जो लाइफ है उससे जूझ रहे होते हैं, ठीक है। डिप्रेशन, ड्यूरिंग डिप्रेशन प्राइस ऑफ कमोडिटी आर वेरी लो एंड डिमांड फॉर देम इज़ ऑल्सो लेस। डिप्रेशन के टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं करता है, मतलब कि बाबा प्राइसेस कम हो गई है तो चलो डिमांड हम क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनकम भी उस टाइम पे कम होता है, इसलिए प्राइस कम भी हो गई तब भी लोग क्या करते हैं, डिमांड जो है वो कम करते हैं। सो इसमें क्या आएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा, ठीक है। लैक ऑफ परचेसिंग पावर, मतलब इनकम कम होता है। गिफन पैराडॉक्स, मतलब कि जो नेसेसिटी होती है, जो चीज़ें होती है जो हमें चाहिए ही होती है, उसके बिना हम
नहीं रह सकते, फूड लाइक मीट फिश, ठीक है, वीट गेहूँ जो रहते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि प्राइसेस बढ़ भी जाए तो भी हम उसको ख़रीदते हैं। यहाँ पे नमक का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जैसे कि सपोज स्टेटस सिंबल, डायमंड जो है वो स्टेटस सिंबल है, तो उसकी प्राइसेस अगर बढ़ती है तो ही उसको क्या करते हैं, जो हाई इनकम ग्रुप होता है वो उसको ख़रीदते हैं एज अ स्टेटस सिंबल। अगर प्राइस कम है तो कोई भी खरीद सकता है, तो उनको दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि हाँ प्राइसेस बढ़ भी गई है तो भी हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, सो यहाँ पे भी डायरेक्ट जो है रिलेशनशिप आएगा। इग्नोरेंस इफेक्ट, कंज्यूमर बाय मोर एट हायर प्राइसेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इग्नोरेंस इफेक्ट। उनको पता ही नहीं रहता, नॉलेज ही नहीं रहता कि कहाँ पे कौन से मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हो गई है, और इस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो जहाँ पे हाई प्राइस है उस प्रोडक्ट की, वहाँ इग्नोरेंस की वजह से वो जो कमोडिटी है वो खरीदते हैं, ठीक है। मतलब जो लेबल है वो देखा नहीं जाता उन, मतलब वहाँ से देखा नहीं जाता, पैकेजिंग कभी कभी ठीक से नहीं किया होता, उस पर प्राइस नहीं होती है, सो इसकी वजह से। देन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब क्या कि जैसे फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकती है, सो इसके डर की वजह से ये जो स्पेकुलेटर्स होते हैं तो वो पहले से ही इकट्ठा करने लगते हैं सामान, जैसे दुकानदार वगैरह। सो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू डिमांड इन कैंपेन बिटवीन ग्रुप ऑफ स्पेकुलेटर्स। इकट्ठा वो प्राइसेस बढ़ भी जाए तो भी क्या करते हैं कि अपने पास सामान इकट्ठा करने लगते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये लॉ भी जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अगर ऐसे ही आपको अलग अलग वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड बी हेल्दी।